सफीक उर रहमान बर देखिए मैं इस शेर के साथ अपना बजट शुरू करता हूँ कि हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। हाँ तो ये जनरल बजट जो 2023 और 2024 का पेश किया गया है, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया, कोई बात नहीं कही गई। मुसलमान भी इसी देश के रहने वाले हैं, मुसलमानों ने भी इस देश को छुड़ाने में अंग्रेज़ों से किसी से कम कुर्बानी नहीं दी है। हाँ तो मैं बताना चाहता हूँ कि मरकजी हुकूमत ने अकलियतों के लिए मजमूई तौर पर 38% से ज़्यादा कमी कर दी है, 38%। दूसरी तरफ मेरिट स्कॉलरशिप में भी 87% तक कमी कर दी गई है, जिससे मुल्क के मुसलमानों पर ख़ास तौर पर गहरा असर पड़ा है। लिहाजा प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ सबका विकास बेअसर साबित हुआ। हाँ गलत साबित हुआ, जबकि अकलियती उमूर की मरकजी हुकूमत ने माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए मौलाना आज़ाद फेलोशिप स्कीम के अलावा तालीम के हक का हवाला देते हुए 8वीं क्लास तक स्कॉलरशिप को बंद करने का काम का ऐलान किया था। इस पर मुस्लिम दानिश्वरों ने अपनी राय का इजहार किया, अफसोस जाहिर किया इस पर मुस्लिम दान, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन इस बार हुकूमत में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 2023-24 के लिए अकलियती उमूर की वजारत के लिए बजट की रकम को 38% कम कर दिया गया है। मैं बताना चाहता हूँ मैं और इसको 3,097 करोड़ कर दिया गया, जबकि गुज़श्ता माली साल में अकलियती उमूर की वजारत को 5,020 करोड़ रुपया फंड दिया गया था। लेकिन नज़रसानी करने के बाद इस साल 2,612 करोड़ कर दिया गया, यानी अकलियतों के लिए बिलखसूस मुस्लिम अकलियतों के लिए फंड में इजाफा करने की बजाय बेहद कमी कर दी गई है। मुझे अफसोस है, अफसोस के साथ ये जाहिर करना पड़ रहा है कि ये देश हमारा भी है, मुसलमानों का भी है, मुसलमानों ने कुर्बानी इस देश के लिए दी है और देंगे इंशाल्लाह। अगर खुदा न खास्ता कोई वक्त आया तो मुसलमान किसी से पीछे नहीं रहेगा। तो दोस्तों इन हालात में मुसलमानों को इग्नोर करना और उसका कोई जिक्र नहीं करना ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इससे नफ़रत झलकती है, नफ़रत की पॉलिसी, हिंदू मुस्लिम पॉलिसी झलकती है इस बात से कि मुसलमानों को ख़ास तौर से नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किसी भी कीमत पर, हम इस देश में रहने के बाद में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लड़ी है और हमेशा लड़ते रहेंगे। खुदा हाफ़िज़।